Hello children, in this video you will get to know how we can set the height and width of an HTML element. Okay, तो आप इस वीडियो में सीखोगे कि आप किसी भी HTML एलिमेंट की हाइट एंड विथ कैसे सेट कर सकते हैं. फाइन, ओके ओके. सो लेट अस स्टार्ट विथ आर प्रैक्टिकल. ओके, फर्स्ट वी विल राइट डॉक टाइप. डॉक टाइप क्या होता है? ये होता है डॉक डॉक्यूमेंट टाइप. ओके, तो आप ये लिख के बता रहे हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप क्या है. ओके, दिस इज योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट. यू आर टेलिंग दिस टू ब्राउजर हेड, राइट? इन हेड टैग हम क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस क्रिएट करेंगे. यहाँ पर स्टाइल, फाइन. स्टाइल के अंदर मैंने क्या किया है, img.1. तो वन क्या है, क्लास है. वन क्या है, क्लास का नेम है. और मैंने उसको img.1 कर दिया तो ये किसकी क्लास बन गई, इमेज की क्लास बन गई. ठीक है, ये इमेज स्पेसिफिक क्लास बन गई. और वहां पे मैंने हाइट दे दी है, हाइट दे दी है ऑटो ऑटो. ठीक है, ऑटो क्या होता है, जब आप हाइट ऑटो देते हो तो इसका मीनिंग, ऑटो देने का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे ब्राउजर अपने आप डिसाइड करता है कि जो आप जो भी एचटीएमएल एलिमेंट ले रहे हो उसकी हाइट वो अपने आप डिसाइड करके उस पर डिस्प्ले करा देता है उसकी हाइट. ठीक है, अब हम सेकेंड क्लास बनाएंगे, img.2, फाइन, हाइट. यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं 200 पिक्सल, एंड विथ विथ हम यहाँ पे ले लेते हैं 200 पिक्सल. फाइन, ओके. डिव, एक जो हमारा कंटेनर टैग है डिव, हमने उसकी क्लास बनाई है 3. ओके, हाइट 300 पिक्सल लेते हैं, 300 पिक्सल. ओके, विथ 300 पिक्सल. फाइन, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम इसका ले लेते हैं पिंक. ओके, फाइन. अब आप क्या करोगे, स्टाइल को क्लोज कर दोगे. ओके, एंड आप हेड को क्लोज कर दोगे. फाइन, देन हम क्या करेंगे, अब बॉडी को स्टार्ट करते हैं, बॉडी टैग हमारा स्टार्ट करते हैं. बॉडी टैग सी बॉडी. अब बॉडी में हम हेडिंग ले लेते हैं, सेट दी हाइट एंड विथ ऑफ एलिमेंट्स. इट्स वन क्लोज, फाइन, ओके. अब हमने पी टैग के अंदर दे दिया ओरिजिनल ओरिजिनल इमेज. ठीक है, ओरिजिनल इमेज में हमने क्या दिया, ऑटो दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका ओरिजिनल हाइट एंड विथ होगा वो डिस्प्ले होगा. फाइन, img क्लास, क्लास हमने कौन सी ली है, वन. और वन में हमने क्या लिया हुआ है, ऑटो, राइट. src, यहाँ पे आप इमेज का क्या लोगे, url लोगे. फाइन, src, देन विथ विथ आपने यहाँ पे कर दी 300 एंड हाइट हाइट आपने यहाँ पे ले लिया 300. फाइन, ओके. एंड यहाँ पे हमने लगा दिया बी आर टैग. नाउ अब इसका, अभी हम इसका जो इमेज का यूआरएल है वो एक साथ कॉपी कर लेंगे. पहले हम लिख लेते हैं, देन हमने पैराग्राफ लिया साइज्ड इमेज. फाइन,
और इसको हम कितना कर रहे हैं, 200 × 200 मीन्स 200 हाइट 200 विड्थ पिक्सल्स। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ लिख रहे हैं इट इज जस्ट एज अ हेडिंग, हम इसको एज अ हेडिंग लिख रहे हैं, ठीक है। आई एम जी क्लास 2, ओके। एस आर सी मीन्स सोर्स कोड, सोर्स नॉट सोर्स कोड सॉरी, सोर्स ऑफ द इमेज, ओके। देन विथ, विथ अभी हमने यहाँ पे 300 स्पेसिफाई की है, लेकिन वो लेगा कितनी, जो आपने ऊपर क्लास में दी है 200 पिक्सल 200 पिक्सल। ऐसे ही जो क्लास 1 में हमने विथ 300 300 स्पेसिफाई किया, लेकिन वो क्या है, ऑटो दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो ब्राउजर डिसाइड करेगा वो लेगा, ठीक है। 300 पिक्सल हमने दे दिया, हाइट, हाइट को दे दिया हमने 300 पिक्सल। यहाँ पे 300 दिया है, बट अप्लाई कौन सा होगा, क्लास 2 वाला, राइट। एंड दिस इज आर br टैग, फाइन, ओके। एंड नेक्स्ट हमने क्या दिया था, div एलिमेंट लिया था ना, उसके लिए हम पहले हेडिंग ले लेते हैं, the height and width of this div एलिमेंट एलिमेंट is 300 pixel, fine। okay, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे div class, class कौन सी है, div की 3, जो हमने class 3 बनाई थी, right? okay, now div div, फाइन। देन बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 क्लासेस क्रिएट की, ओके। 1 क्लास 1 में आपने हाइट ऑटो दी है, हाइट ऑटो मींस जो ये ब्राउजर डिसाइड करेगा कि इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ओके। एंड हमने यहाँ पे क्लास 1 यूज किया है, हाइट एंड विथ दे रखी, तो हाइट तो ब्राउजर डिसाइड करेगा, विथ हमने दी हुई है यहाँ पे 300, तो वो आ जाएगी। और हमने क्लास 2 में हाइट एंड विथ दोनों 200 पिक्सल्स दिए हैं, तो आपकी जब आप क्लास 2 यूज करोगे तो हाइट एंड विथ दोनों 200 पिक्सल्स यूज होंगी। डिव में आपने क्लास 3 यूज किया है, और क्लास 3 में क्या है, हाइट एंड विथ 300 पिक्सल्स है, ओके। अब हमने हम लोग क्या करेंगे, इमेज का जो सोर्स है वो यहाँ पे मीन्स इमेज का यूआरएल यहाँ पर कॉपी करेंगे, फाइन, ओके। हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है, इसको हम कर लेते हैं ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट। अब यहाँ एड्रेस से आप इसका क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो इसका यूआरएल, फाइन, ओके। इस यूआरएल को हम पेस्ट कर देंगे 1 में, राइट, एंड देन हियर, ओके, फाइन। अब क्या करेंगे, अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस आई एम जी कर लेते हैं, img.html, फाइन, img.html, राइट। अब आपकी फाइल यहाँ पर है, इसको हम करेंगे ओपन विद ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर ले लेते हैं, ओपन विद ब्राउजर, ओके। अब यहाँ पे देखो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो ये है, फाइन, दिस इज योर ओरिजिनल इमेज। उसके बाद आपने क्या किया था, क्लास 2 ली थी, जिसमें आपने डिफाइन कर दिया था 200 200 पिक्सल, फाइन। तो ये देखो यहाँ पे इमेज का साइज क्या हो गया है, 200 200 पिक्सल आ गए, मतलब 200 हाइट एंड 200 विथ, फाइन। फिर आपका डिव एलिमेंट, डिव एलिमेंट क्या होता है, एज अ कंटेनर डिव एलिमेंट आया है, उसकी हाइट एंड विथ क्या है आपकी, 300 300 पिक्सल, फाइन। तो ऐसे आपने क्या किया, हाइट एंड विथ को सेट किया, ओके, इमेज की एंड डिव एलिमेंट की, ओके। अभी हमने क्या किया था, पिक्सल्स में दी थी हाइट एंड विथ, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज में लेंगे हाइट एंड विथ, ओके, इमेज की, और जो भी एलिमेंट आप लेना चाहो,
ठीक है। पहले हमने क्या लिया था, इमेज लिया था, और क्या लिया था, डिव एलिमेंट लिया था, ठीक है। डॉक टाइप हमने ले लिया यहाँ पे, HTML डॉक टाइप। ओके, डॉक टाइप क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML। ओके, हेड, राइट, इन हेड यू विल गिव द स्टाइल, स्टाइल, ओके, हियर HTML, बॉडी, 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 राइट। तो यहाँ पे HGST हाइट हमने ले लिया है। अब हम परसेंटेज में देंगे हाइट इन विथ, राइट। तो अभी हमने बॉडी जो टैग लगाया है, बॉडी जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी बॉडी जो हाइट है वो हमने 100% दी है। बाय डिफॉल्ट भी वैसे 100% ही होती है। img.1 हमने वन क्लास बनाई, फाइन। इसमें हाइट दे दिया आपने ऑटो। ऑटो क्या होगा, ब्राउजर अपने आप डिसाइड करेगा कि इसकी हाइट एंड विथ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या होता है, उसकी जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो फिर उसकी ओरिजिनल हाइट एंड विथ को ही डिस्प्ले करता है, फाइन। देन हमने दी img क्लास टू, क्लास टू बनाई, इसमें हाइट हमने ली 50, सॉरी 50%, 50% ऑफ विंडोज हाइट, ठीक है। तो जो आपकी ब्राउजर की विंडो होगी उसका 50%, एंड विथ, विथ भी हम ले लेते हैं 50% ऑफ विंडो साइज। टोटल क्या होती है, 100, जो ब्राउजर की विंडो होती है वो 100% क्या होती है उसकी हाइट, और 100% क्या होती है उसकी विथ, राइट। हम ऐसे कंसीडर करते हैं, फाइन। तो हमने क्या किया, इसका 50% ले लिया, स्टाइल, देन आपका आ गया हेड, ओके, देन वी हैव बॉडी, राइट। इसके अंदर हमने दे दी हेडिंग, हेडिंग दे दो, सेट दी हाइट एंड विथ इन परसेंटेज, ओके, H1, फाइन। अब हम दे देते हैं वन मोर हेडिंग, हमने दे दिया इसको ओरिजिनल, ओरिजिनल इमेज, जो ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, ओरिजिनल इमेज। तो ओरिजिनल इमेज में हम यूज कर लेंगे क्लास वन, ओके, क्लास वन, क्योंकि उसमें क्या है, ऑटो दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो है img क्लास, क्लास आपकी आ जाएगी वन, फाइन। src सोर्स ऑफ इमेज, सोर्स ऑफ इमेज हम अभी ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, फाइन। पहले हम बाकी का लिख लेते हैं, विथ आप इसके ले लो 300 पिक्सल, हाइट, हाइट आपने ले ली 300 पिक्सल, ओके, br टैग, br टैग टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, ओके। हम नेक्स्ट हम पैराग्राफ लेंगे, साइज्ड, साइज्ड इमेज, और इमेज हम क्या लेंगे, परसेंटेज में लेंगे, ओके, इन परसेंटेज, फाइन। img क्लास, इसमें क्लास हम यूज करेंगे टू, ठीक है, src सोर्स, राइट, एंड विथ, विथ हमने यहाँ पे ली है 300 पिक्सल, लेकिन अप्लाई कौन सी होगी, 50% ऑफ विंडोज विथ, एंड हाइट, हाइट क्या होगा, ऑल्सो 50% ऑफ विंडोज हाइट, फाइन, ओके। देन बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज, ओके। अभी हमने ले लिया, अब हम क्या करते हैं, कोई भी ईमेल लेते हैं उसका सोर्स ले लेते हैं, मतलब उसका यूआर लेते हैं। इसको हमने कर लिया ओपन विद, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, फाइन। यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी,
कर, इसको हमने यहाँ पे कंट्रोल वी एंड हियर आल्सो कंट्रोल वी, राइट। अब हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस। तो अब हम लेते हैं img2.html, राइट, हमने इसको सेव कर लिया, फाइन, ओके। नाउ दिस इज योर img2, ओपन विथ ब्राउजर। आपने इसको ब्राउजर से ओपन कर लिया, ओके, इट इज टेकिंग सम टाइम। अब इधर देखो ये क्या है, ओरिजिनल इमेज है, राइट। इसने क्लास 1 को यूज किया था, राइट। अब देखो सेकंड, देखो सेकंड क्या है, 50% ऑफ विंडोज हाइट। अगर हम यहाँ से यहाँ तक विंडो की हाइट देखें तो ये क्या है, इसका 50% ऑक्यूपाई कर रहा है, एज वेल एज 50% ऑफ विंडोज विथ। और अगर यहाँ से यहाँ तक विंडो की विथ देखें तो भी ये जो इमेज है वो 50% क्या करिए, विंडो की विथ को ऑक्यूपाई कर रही है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, हमने परसेंटेज में डिफाइन किया है कि कितने परसेंट जो आपकी इमेज है वो हाइट और विथ, मतलब हाउ मच इट इज कंटेनिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। तो कितना है ये, 50% विंडोज की हाइट इसने कवर किया, 50% विंडोज की जो आप विंडो और विंडो मींस आपका जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसकी 50% विथ को कवर किया, फाइन, ओके। नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाएंगे कि किसी भी जो एचटीएमएल एलिमेंट है, ओके, उसकी हम मैक्सिमम विथ को कैसे सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम विथ मींस कि कितना हम उसको वाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम अपना एक डॉक टाइप एचटीएमएल, फाइन, यहाँ पे ले लिया एचटीएमएल, ओके, देन आपका आ गया हेड स्टाइल, फाइन। अब स्टाइल के अंदर मैं ले रही हूँ डिव एलिमेंट, डिव को ले लिया, डिव इज द कंटेनर एलिमेंट, इसमें मैंने इसकी मैक्सिमम विथ दे दी है 400 पिक्सल, फाइन, और मिनिमम विथ दे दी है 100 पिक्सल। तो कितना ये कवर करेगा, 400 पिक्सल इसकी मैक्सिमम विड्थ रहेगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया, लेटेस्ट कोर्स आपने दे दिया, कुछ भी दो, पिंक दे देते, चलो पिंक, फाइन। देन आपका स्टाइल क्लोज, ओके, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी में आप हेडिंग ले लो H1, सेट द मैक्स विथ एंड मिन विथ ऑफ एन एलिमेंट, ओके, H1 क्लोज, फाइन। अब हम करेंगे, ओके, अब हम क्या करते हैं, यूज डिव टैग को लगाते हैं, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हम जो डिव टैग है उसको स्पेसिफाई कर चुके हैं। तो हम लिख कर देते हैं, हमने ले लिया इसमें वेलकम टू CSS, ठीक है, क्लास ये ले लिया, ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, राइट, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, राइट, इसको हमने ले लिया एंड यहाँ पे डिप को क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, फाइन। अब इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, सॉरी कंट्रोल सेव कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कुछ भी आप इसको दे दो। तो अभी हम मैक्स विथ का यूज कर रहे हैं तो मैक्स करके करते हैं, max.html, max.html कर दिया, राइट, फाइन,
यहाँ पे हमारी फाइल है, इसको हम करते हैं ओपन विद गूगल क्रोम। ले लो कोई भी ब्राउजर जो आप यूज कर रहे हो, आप उसको यूज कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे देखो ये हमारा डिप कंटेनर टैग है। फाइन, तो इस यहाँ पे क्या है, इसकी मैक्सिमम विथ है वो कितनी है, 400 पिक्सल है। ओके, तो ये क्या करेगा, जो मैक्सिमम विथ है उसमें अगर क्या कहते हैं, जो आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उसको ऑक्यूपाई इसने किया हुआ है मैक्सिमम विथ के अंदर। ठीक है, दिस इज 400 पिक्सल, राइट।